हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिल्म इंडस्ट्री प्लैनेट। मंसूर अली खान की कब्र पर शर्मिला टैगोर, इनाया और सोहा ने लिखा, जब तक आपको भूल नहीं जाते तब तक आप हमारे लिए मरे नहीं। हम आपको बता दें दोस्तों कि मंसूर अली खान पटौदी की 10वीं पुण्यतिथि पर उनके परिवार वालों ने उनको याद किया। मंसूर अली खान की बेटी सोहा अली खान ने उनकी कब्र से एक तस्वीर को पोस्ट किया है। गौर मतलब है कि दिवंगत क्रिकेटर को उनकी पुश्तैनी घर पटौदी पैलेस में ही दफनाया गया है। सोहा अली खान ने अपनी माँ शर्मिला टैगोर और अपने बेटे इनाया के साथ एक पोस्ट किया और इस कैप्शन में लिखा, जब तक आपको भूल नहीं जाते तब तक आप हमारे लिए मरे नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि 2011 में टाइगर पटौदी का निधन हुआ था। ज्वेलरी डिजाइनर सबा अली खान ने अपने पिता के लिए एक श्रद्धांजलि पोस्ट की और उन्होंने लिखा, अब्बा मैं आपको हर दिन याद करती हूँ और जानती हूँ कि आप मुझ पर नजर रखते हैं। हमें महसूस नहीं होता कि जब आप हमें छोड़ गए तो उस बात को दशक हो गया है। लगता है ये बस एक पल की बात है। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे और हम हमेशा आपसे प्यार करते हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड डेब्यू के 5 साल के बाद कर ली थी शादी। शर्मिला टैगोर ने 1969 में क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से शादी की थी। उन्होंने 1970 में बेटे सैफ अली खान, 1976 में बेटी सबा और 78 में सोहा अली खान को जन्म दिया था। मंसूर अली खान पटौदी का 2011 में 70 साल की उम्र में फेफड़ों के संक्रमण से जूझने के बाद निधन हो चुका था। 1959 में बंगाली फिल्म अपूर संसार में सत्यजीत रे ने शर्मिला टैगोर को लॉन्च किया था। शर्मिला ने 1964 में फिल्म कश्मीरी की कली के साथ बॉलीवुड में अपना कदम रखा। उन्होंने आराधना, चुपके चुपके, अमर प्रेम जैसी कई सफल बॉलीवुड फिल्म में काम किया, अपना नाम बनाया।